अयोध्या की नगरी मथुरा में किस तरह तड़प तड़प के मर रही है, यह किसी से छिपा नहीं है। रोजाना कहीं ना कहीं गौ माता दम तोड़ रही है। दरअसल यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। छाता के तरोली में स्वामी बाबा गौशाला में 15 गायों की मौत से स्थानीय लोग भी हतप्रभ हैं, जबकि योगी सरकार का ऐलान था कि गौशालों में गौ माता के निवाले के लिए उचित प्रबंध किए जाएं, प्रत्येक गाय के हिसाब से उनके भरण पोषण के लिए तय दर से देने की भी बात की गई थी। अब बारंबकी से गौ सफारी शुरू करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन कान्हा की नगरी में इतनी बुरी दुर्दशा गायों की योगी सरकार में होगी, यह अचंभित करने की बात है। गौ संचालकों पर इनके भरण पोषण के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, जिला प्रशासन की तरफ से भी कोई सुविधा इनको नहीं मिल रही है। वहीं स्थानीय लोग भी इनके मरने की वजह भूख बता रहे हैं, जबकि इसमें काफी देखभाल को लेकर भी बताया गया है कि संचालक भी इस गौशाला को छोड़कर चले गए हैं, जबकि इसकी जानकारी की जा रही है। गांव को मारने के क्या कारण है, इस सूचना पर एसडीएम नितिन गोड मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौशाला में उन्हें बड़ी संख्या में गाय बीमार भी मिली। इसके लिए क्षेत्रीय पशु चिकित्सक एसके मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई है। उन्होंने बताया कि गौशाला छोड़कर भागने वाले संचालकों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने बताया कि 15 गायों के मरने की जानकारी मिली है। वहीं वर्तमान में गौशाला में करीब 300 से 400 के आसपास गायें बताई गई हैं। मेरा नाम मूला मास्टर है। ये कौन सी गौशाला है? ये गौशाला स्वामी बाबा गौशाला है जी। यहाँ पर गाय तड़प तड़प कर मर रही है, ये किस कारण मर रही है? कारण ये है कि यहाँ वृंदावन से कुछ महात्मा आए थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि गौशाला को हम चलाएंगे। यहाँ जो बाबा का जो खाता था उसे बंद करा दिया उन्होंने, अपने नाम से खोल लिया, और खोल करके 2-2.5 महीने वो यहाँ रहे। अब वो यहाँ छोड़ करके भाग गए। ना गायों के लिए चारा है, ना कोई व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था, ना चारे की व्यवस्था है, और गाय भूखी मर रही हैं, ठंड में मर रही हैं, ना कोई ग्वारिया है, ना कुछ है। और वो यहाँ से खाता अपने नाम करा करके वृंदावन वापस लौट गए। अब वो यहाँ आते नहीं हैं, 4 दिन से गौशाला उन्होंने देखी नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो चारे के लेकर क्या व्यवस्था है इसमें? चारे के लेकर भी ये व्यवस्था, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली थी। अब चारा है नहीं, बाजरे की करब पड़ी है सूखी, ना वो कुटी है, ना कुछ है, और कोने में पड़ी हुई है। गाय ठंड की ठंड में बंधी रहती हैं, ना उन्हें छह में किया जाता है, ना कहीं अलग बांधा जाता है। गोबर पड़ा है, कीच हो रही है तो हो रही है, उसी में गाय खड़ी हैं, पड़ी हैं। गाय दिन रोज मर रही हैं। कितनी गाय मर गई? कम से कम 15 गाय 2 दिन में मरी हैं। गौशाला में ग्वाल वाल कितने हैं? ग्वाल वाल फिलहाल एक भी नहीं है, एक बंदा है जो, अब एक काकर है, 350-400 गाय हैं। बताओ एक पे व्यवस्था कहाँ से होगी? अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि कैसे शासन प्रशासन आकर के गौशाला की व्यवस्था को देखे। जी क्या नाम है आपका? भाई साहब नाम है छोड़ो, राजू पंडित नाम है मेरा। गौशाला की हालत देखो, कहाँ स्थिति आ रही है। गैया को लवारो, भूखो मर रहो, शाम के 5 बजे ने अभी तक ध्यान ना डालो गैया को। देखिए क्या स्थिति होगी, आपने सभी की फोटोज देख ली, जिंदी गायों को कुत्ते खा रहे हैं। जो संरक्षण वाले थे वो भाग गए यहाँ से, जैसे न्यार की व्यवस्था खत्म भई, जो स्टोर कर रखा था न्यार वल्लभ दास जी ने उसको ख़त्म करा के खिला के, और उसके बाद वो 9-2-11 हो गए। उन्होंने सारा जितना प्रचार प्रसार था सारा कर लिया, पैसे उनके अकाउंट में आ गए होंगे, गायों को यूं ही छोड़ कर चले गए। और आज की स्थिति में इनकी देख रेख के लिए कुछ नहीं है, कोई संरक्षण नहीं है, कोई किसी की सहायता नहीं है। बहुत भयावहीन स्थिति है, आपके सामने देख रही होगी। और दुनिया कह रही है मोदी का जमाना है, योगी का जमाना, भाई साहब योगी जमाने में देखिए क्या स्थिति हो रही है, आप देख सकते हैं। 6 महीने पहले गाय मरी हैं इसमें, आज 15 गाय मरण अवस्था में पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। 3 गायों को, जिंदियों को कुत्ते और कौए नोच नोच कर खा गए हैं। अभी तक इस और किसी आला अधिकारी को सूचित कराया आपने? कोशिश हम कर रहे हैं, एसडीएम साहब के पास भी गए थे, एसओ साहब को भी सूचना की गई है। 6 महीने पहले एसडीएम साहब के द्वारा ही इसकी मैनेजमेंट बदली गई थी। मैनेजमेंट बदलने के बाद देखिए ये स्थिति है। और इससे अच्छा तो मैं ये कहता हूँ इन सभी गायों को आज़ाद कर दें, अपने अपनी स्थिति अपने आप सुधार लेंगी। कम से कम हमारे ऊपर पाप तो नहीं आएगा, बस्ती को पाप तो नहीं आएगा। अब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कहीं कोई प्रशासन सुशासन है तो कृपया आके इनकी देख रेख करवाएँ किसी भी तरीके से। और हमारा, हम हर तरीके के सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी तरीके से इनकी व्यवस्था करवाइए, वरना ये बेजान बिना बोलने वाले जानवर यूं ही मरते रहेंगे। छोड़ के चले गए, जिसमें गांव की बड़ी बुरी हालत है। गांव वालों पर तो ये बैन नहीं होगा इसका खर्चा, लेकिन उस पर तो धन आता है, संपत्ति आती है, बातें पता नहीं वो उस पैसे को कहाँ प्रयोग कर रहे हैं।
आज कितनी गायें मर गई हैं? आज 16 गायें मरी हैं इस गौशाला में। कुछ को जिंदी गायों को कुत्तों ने खाका करके बुरा हाल कर रखा है, आपने देखा होगा वीडियो। बाबा जी भग गए। घायल कितनी हैं? घायल 4-5 गाय घायल हैं और कुछ भीतर पड़ी, उनको खाने पीने लायक देने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर एक ग्वारिया है और बाढ़ बाकी का कोई नहीं है। 300 गायें करीब करीब 400 गाय खत्म होती भागे जी। और एक ग्वारिया है, वो बेचारा फ्री में लग रहा है, सेवा कर रहा है। उपचार के लिए कोई डॉक्टर की व्यवस्था? कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं है। योगी सरकार आला अधिकारी, कोई आला अधिकारी, कोई डीएम को हमने बुलाया, वो उसको भी अवगत कराया, लेकिन कोई कुछ नहीं हो पाया अभी तक। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।